राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत। शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम बंदर मामा। दोस्तों, आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, बिल्ली और बंदर की कहानी। अच्छा। दो बिल्लियां थी, भूरी और काली। तो एक दिन भूरी और काली को कहीं से एक रोटी मिली। अच्छा। अच्छी खासी मोटी रोटी थी वो। बिल्लियां दोनों भूखी थी, लेकिन वो थी दो और रोटी थी एक। अब बंटवारा करें तो कैसे? दोनों बिल्लियां सोच में पड़ गईं। फिर काली बिल्ली ने कहा, मियाओ, चलो रोटी आधी आधी कर ले। मियाओ, ठीक है, तुम रोटी आधी आधी करो। ना बाबा, तुम ही करो, कहीं कम ज्यादा हो गई तो लड़ोगी। मियाओ, मैं तो बाबा तब तक हाथ ना लगाऊं रोटी को जब तक रोटी आधी आधी ना हो जाए। कम ज्यादा हो गई तो तुम फिर मुझसे लड़ोगी। सुना बच्चों, काली और भूरी में से कोई भी रोटी का बंटवारा करने को तैयार नहीं हुई। इतने में बिल्लियों ने देखा। क्या देखा? दूर से एक बंदर आ रहा है। तो बंदर को आते देख भूरी बोली, चलो हम बंदर मामा से ही कहें कि वो हमारे लिए रोटी के दो हिस्से कर दे। बंदर किसी बनिए की दुकान से तराजू मांग लाया। उसने रोटी के दो हिस्से किए। अच्छा। रोटी का एक हिस्सा तराजू के एक पलड़े पर रखा और रोटी का दूसरा हिस्सा तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। अब भूरी और काली बंदर के दोनों तरफ बैठ गईं और बोली, ठीक ठीक हिस्सा करना मामा। हाँ, कम ज्यादा ना होने पाए। अरे ठीक ठीक ही करूंगा भूरी। काली, हाँ, तुम दोनों को रोटी का बराबर बराबर हिस्सा ही मिलेगा। ठीक है, म्याऊं म्याऊं। अरे ये देखो, इधर इधर का टुकड़ा जरा ज्यादा भारी है, इसे बराबर कर दूं। और बच्चों, ये कहकर बंदर ने ज्यादा वाले हिस्से में से चट से एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया और बोला, क्या बोला? अरे अरे ये देखो, अब रोटी का दूसरा टुकड़ा भारी हो गया। ओहो, अब इसमें से जरा सा तोड़ना पड़ेगा। और ये कहकर बंदर ने उस टुकड़े में से भी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे गप से मुंह में डाल लिया। इसी तरह बंदर कभी रोटी के एक टुकड़े में से तोड़ता और कभी
दूसरे टुकड़े में से और रोटी के तोड़े हुए टुकड़े को अपने मुंह में डाल लेता। अब बच्चों, ऐसा करते करते रोटी के दोनों टुकड़े बहुत ही छोटे रह गए। अच्छा? क्यों बच्चों? बंदर कितना चालाक था। हाँ। बंटवारा करने के बहाने वो थोड़ी थोड़ी करके खुद ही रोटी को खाए जा रहा था। अब काली और भूरी भी ये सब देख रही थी। वो बंदर की चालाकी समझ गई और बोली, बंदर मामा, ये तुम क्या कर रहे हो? म्याऊ। ऐसे तो थोड़ी थोड़ी करके तुम हमारी पूरी रोटी खा जाओगे। म्याऊ। मैं तो फंस गया तुम दोनों के चक्कर में। मेरा कितना वक्त खराब हो गया। एक तो तुम्हारे लिए रोटी का बंटवारा कर रहा हूँ, लेकिन बंदर मामा, तुम दोनों रोटी के बराबर के टुकड़े चाहती हो ना? हाँ। फिर जो टुकड़ा बड़ा होगा उसे दूसरे के बराबर करने के लिए छोटा तो करना ही होगा ना? हाँ। बंदर की डांट खाकर दोनों बिल्लियां चुप हो गईं और बंटवारा करने के बहाने बंदर रोटी के टुकड़े खाता रहा। कितना चालाक था। धीरे धीरे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा। पूरी रोटी बंदर के पेट में चली गई। धीरे धीरे बंदर मामा, धीरे धीरे बंदर मामा खा गए पूरी रोटी। हाँ हाँ, खा गए पूरी रोटी। पछताती है भूरी काली, पछताती है भूरी काली, किस्मत ही है खोटी। हाँ हाँ, खा गए पूरी रोटी। हाँ हाँ, खा गए पूरी रोटी। रोटी का मियाँ एक भी टुकड़ा नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? बंदर तो बंटवारा करने के बहाने मियाँ सारी रोटी खा गया। मियाँ मियाँ मियाँ। जो आपस में झगड़ते रहते हैं ना, उनका यही हाल होता है। तो सुना बच्चों, बंदर मामा पहले तो बिल्लियों की रोटी खा गए, फिर उन्हें ही डांट कर छड़ी घुमाते चल दिए। बंदर मामा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख मोहिनी राव, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार मंजू मैनी, बाल कलाकार प्रवीण शर्मा, मालती कौशिक, नीरजा गुलेरिया और सपना वर्मा, संगीत दिनेश प्रभाकर, ध्वनियांकन सतीश लाड़े और हेमराज सिंह, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा। Thank you.